अरुण क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल समीना मुस्तफ़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं नाश्ता बना रही थी तो यहीं से व्लॉग स्टार्ट किया, और आज मैंने कुछ अलग से बनाया था नाश्ते में। आज मैंने बनाई थी अंडे और दूध वाली रोटी। तो कुछ रोज़ अलग सा होना चाहिए, क्योंकि रोज़ एक जैसा नाश्ता भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने कहा कि आज ये बनाती हूँ। पढ़ ली थी और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं क्या बना रही हूँ। चलें बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ये दाल चढ़ाई थी, क्योंकि जुम्मे वाले दिन तो दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादातर तो जुम्मे वाले दिन मैं दाल चावल ही बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने मसाले डाल के और दाल चढ़ा दी है। अभी हुई नहीं है, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके साथ मैंने ये चिकन ब्रेस्ट लिया था, तो इसको मैंने धो के रख दिया है। और इसका मैंने मसाला दही में सारे मसाले डाल के तैयार कर लिए हैं। और अब मैं इसके साथ इसको मिक्स करूँगी, सारा मसाला जो चिकन ब्रेस्ट पे लगा दूँगी। के साथ मैंने कट किए हुए हैं, तो मैं इसके अंदर तक मसाला लगाऊंगी ताकि अंदर तक मसाला पूरा लग जाए इसके। और ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनता है, ये तो खा के ही पता चलेगा कि कैसा बना है। और आपको भी ज़रूर बताएंगे, और हस्बैंड से भी पूछूंगी कि उनको कैसा लगा। मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ये। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरी दाल रेडी हो चुकी थी और इसमें मैं तड़का लगा रही थी। और आपको दाल के साथ ग्रीन नज़र आ रहा होगा, तो मैंने दाल में आज पालक भी ऐड किया था, क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश थी कि दाल में पालक ऐड करना। और बहुत ही मज़े की बनी थी, बिल्कुल भी नहीं बची दाल, पूरी ख़त्म हो गई थी। बहुत मज़े की बनी थी दाल भी। और जी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो बनाई थी चिकन ब्रेस्ट, तो इसको मैं रेडी कर रही थी। इसको मैंने पहले दही और जो मसाले डाले थे तो उसमें सब देगची में डाल के स्टीम दे दी थी। उसके बाद इसने अपना पानी छोड़ दिया था बिल्कुल ही, ताकि अंदर से भी थोड़ा गल जाए चिकन, और बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी थी। उसके बाद मैंने उसको फ्राई किया तेल में, और मैंने उसके साथ दाल चावल भी बनाए थे। और यहाँ पे मेरी चिकन फ्राई हो रही थी तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प की। और वैसे भी हस्बैंड खाने के भी बहुत शौकीन हैं, और इसी तरह से खाना बनाने के भी बहुत शौकीन हैं, और खाने भी बहुत मज़े के बनाते हैं। और फिर जी, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, तो खाने में भी बहुत मज़ा आया, और चिकन भी बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार बनी थी, और दाल चावल भी बहुत ही मज़े की बनी थी। और हस्बैंड ने तो इतनी तारीफ़ की कि क्या बताऊँ। सब कैसा बना? हारून आप क्या खा रहे हो? हारून अंडा और कबाब खा रहे। दाल कैसी बनी? बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं आप अगर खाओ ना तो ये मसाला डाल के खाना, ये मसाला बहुत टेस्टी हुआ। ये इसका चिकन का मसाला बहुत टेस्टी हुआ ना। खाए हारून क्या हुआ? हारून क्या हो गया? हारून क्यों नहीं खा रहा? हारून लो हो गया। लो नहीं, नहीं जाएगा। या समीना, आपने आपने खाना इतना अच्छा बनाया कि आप सुकून से बैठा हो। अभी तो कस्टर्ड भी है ना, कस्टर्ड का शौकीन मीठे का दुश्मन नहीं करा। अरुण अरुण नहीं करा, ऐसे बुरी बात। आप अपने मीठे का शौकीन है ये, मीठे का दुश्मन। चल ले, टाइम नहीं खाता, टाइम ना खा लिया।
साहिब ने खा लिया? आ जाओ मीरा, आ जाओ। हाँ चलो लो साहिब, खाओगे? अरुण आपको खाना है? अरुण अरुण मना कर रहे हैं। हाँ ये लोग हम खाएगा, हम खाएगा, अरुण के लिए डाल दे भाई। अच्छा आज बहुत दिनों के बाद मीठा बनाया ना। अच्छा है। बहुत अच्छा बना आज, पूरा क्रेडिट एंड मम्मा थैंक यू, बहुत अच्छा बना। साहब इसको इधर ला, ये मारता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हस्बैंड जो हैं कुर्बानी के बकरे लेके आए थे जो बेचने के थे, तो मैं देखने के लिए उतरी थी। और ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।